सो हेलो फ्रेंड्स, आपको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फैंटेसी गुरु यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जो मैच खेला जाएगा CS वर्सेस WW के बीच। जो फ्रेंड्स मैच खेला जाएगा मलेशिया T20 लीग का आज का पहला मैच, इसका मैं आपको डिटेल में टीम देने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जो है आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। बात करते हैं फिर से इस मैच की वेन्यू की। तो किनारा ओवल में ये मैच खेला जाएगा जहाँ की पिचेस ऑलमोस्ट न्यूट्रल रहती है। हालांकि पिच तो न्यूट्रल है लेकिन अगर आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है स्पिन बॉलर को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना, अगर आप अपनी टीम बना रहे तो स्पिन बॉलर के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिएगा तो आपके लिए बेस्ट होगा। बाकी फिर बात करते हैं फर्स्ट इनिंग के एवरेज स्कोर की, तो 146 के आसपास रहने वाला। वहीं सेकंड इनिंग के एवरेज स्कोर की बात करें तो तकरीबन 132 के आसपास रहने वाला है। टीम परफॉर्मेंस की बात करते हैं फिर देखिए CS जो है अभी तक दो मैचेस के लिए जिसमें कि एक विन के एक लॉस के। वहीं WW की बात करते हैं फिर ये दो मैचेस के लिए जिसमें कि एक विन के एक लॉस के। यानी फिर दोनों टीमों का परफॉर्मेंस जो है सिमिलर एक ही है, एक ही जैसा फ्रेंड्स, क्योंकि दोनों टीम जो है एक एक मैचेस विन किए और एक एक मैचेस लॉस किए। तो इस बात का आपको ध्यान रखना। अब बात करते हैं फिर इस मैच की प्लेइंग 11 की। तो फ्रेंड्स प्लेइंग 11 की तरफ आने से पहले अगर आप लोग भी जो है मतलब इस मैच से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट या न्यूज़ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर डाल दिया जाएगा, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। इस मैच से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट या न्यूज़ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। यह मेरा फैंटेसी गुरु जी का ऑफिशियल चैनल है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। बात करते हैं फिर से वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग अभी तक बैटबॉल एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए तो बैटबॉल एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिए। बहुत ही अच्छी फैंटेसी साइट है क्योंकि मैं खुद इस एप्लीकेशन पे खेल रहा और मेरा काफ़ी अच्छा जो है मतलब विनिंग हो रहा है। अगर आप लोग भी विन करना चाहते हैं और अपना लॉस रिकवर करना चाहते हैं तो आप लोग जो है मतलब इसमें पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी फैंटेसी साइट है, आप ऐसे T10 वगैरह कोई भी मैच आप यहाँ पर खेल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको कॉम्पिटिशन बहुत ही कम मिलेगा। अगर आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, साथ ही साथ मेरे रेफर कोड भी नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अगर आप मेरे रेफर कोड इस्तेमाल करते हैं तो आपको 50 रुपये का कैश बोनस मिलेगा, साथ ही साथ आप फर्स्ट टाइम कोई भी डिपॉजिट करते हैं तो उसका 100% का कैशबैक मिल जाएगा। यानी फ्रेंड्स अगर आप सपोज 1000 रुपये ऐड करते हैं तो आपको 1000 रुपये जो वो पेटीएम में वापस मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप फ्री में इस यहाँ पर इन्वेस्ट करके खेल लेते हो तो आपका कुछ जाएगा नहीं क्योंकि फ्रेंड्स आप जो भी इन्वेस्ट करोगे वो आपका जो 100% वापस आ जाएगा मेरे रेफर कोड के इस्तेमाल से। तो इस बात का आपको ध्यान रखना। बात करते हैं फ्रेंड्स ऐसे CS की प्लेइंग 11 की। तो देखिए CS की तरफ से जो आपको अनवर अरुद्दीन अरियासे असलम सैफ ये दोनों जो है ओपन करते नजरेंगे। दोनों के परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो दोनों के परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। अनवर अरुद्दीन जो है अपने टीम के लिए तकरीबन 56 मैचेस के लिए अगर आप इनका स्कोर देखेंगे तो 56 मैचेस में जो है तकरीबन 1251 रन बना के दिए, साथ ही साथ जो है अपने टीम के लिए 2 विकेट निकाल के दिए। इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाले फ्रेंड्स क्योंकि देखिए बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही करके देंगे तो इस बात का आपको ध्यान देना। हालांकि देखिए आप अपनी टीम से इनको चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं लेकिन मैं आपको बोलूं फ्रेंड्स ये सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाले, अगर आप इनको अवॉइड कर भी रहे तो ग्राइंडिंग में अवॉइड कीजिएगा, स्मॉलिंग में बिल्कुल भी अवॉइड मत कीजिएगा। नंबर 3 पे जो है आपको अलम सैफ खेलते हुए नजर आएंगे जो कि 5 मैचेस के लिए 94 रन बना के दिए, उतना कोई खासा परफॉर्मेंस है नहीं तो फिलहाल आप इनको अपनी टीम से अवॉइड कर सकते हैं। नंबर 3 पे आपको अहमद फैज खेलते हुए नजर आएंगे 68 मैचेस के लिए जिसमें कि जो है 1314 रन बना के दिए, साथ ही साथ विकेट की बात करें तो अपनी टीम के लिए 8 विकेट निकाल के दिए। इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाले फ्रेंड्स अगर आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं नहीं तो आप अपनी टीम से अवॉइड भी कर सकते हैं। एक बात आपको ध्यान देना फ्रेंड्स ये देखिए बैटिंग और बॉलिंग दोनों से फॉर्म में है तो इस बात का आपको ध्यान देना। अगर आप इनका बैटिंग एवरेज देखेंगे तो 20 के आसपास जो इनका बैटिंग एवरेज है, साथ ही साथ जो पार्ट टाइमिंग गेंदबाजी करते हो 8 विकेट भी निकाल के दे तो इस बात का आपको ध्यान रखना। बाकी फिर बात करते हैं नंबर 4 की तो आप इसे जो है परवीन निमित को ट्राई कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाले फ्रेंड्स अगर आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं नहीं तो आप अपनी टीम से अवॉइड कर सकते हैं। अगर आप इनका परफॉर्मेंस देखेंगे तो 5 मैचेस के लिए जिसमें कि जो 187 रन के आसपास स्कोर करके दिए, हालांकि देखिए इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाले फ्रेंड्स क्योंकि देखिए 20 के एवरेज से बैटिंग करके दे रहे हैं तो इस बात का आपको ध्यान रखना। नंबर 5 पे आपको जो है ए खान खेलते हुए नजर आएंगे 36 मैचेस के लिए जिसमें कि 267 रन बना के दिए, साथ ही साथ अपनी टीम के लिए 18 विकेट निकाल के दिए। अगर आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं फ्रेंड्स क्योंकि देखिए बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ऑफेंस कर रहे हैं तो इस बात का आपको ध्यान रखना। नंबर 6 पे आपको जो है ए जहुल खेलते हुए नजर आएंगे जो कि तकरीबन 59 मैचेस के लिए 922 रन बना के दिए, इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाले फ्रेंड्स। हालांकि देखिए अगर आप इनको ग्रैंड लीग में ट्राई कीजिएगा तो आपके लिए बेस्ट होगा, स्मॉलिंग में थोड़ा सा इनसे दूरी बना के जाए तो आपके लिए बेस्ट होगा। नंबर 7 पे जो आपको एन रहमान खेलते हुए नजर आएंगे 66 मैचेस के लिए जिसमें कि जो 800 रन के आसपास स्कोर करके दिए, साथ ही साथ विकेट की बात करें तो तकरीबन 66 मैचेस में जो तकरीबन 67 विकेट के आसपास निकाल के दिए। वही नंबर 8 पे जो आपको वैन जुलाली खेलते हुए 16 मैचेस के लिए 198 रन बना के दिए, हालांकि देखिए बैटिंग कर रहे तो इस वजह से जो है मैं इनको अपनी टीम में ट्राई नहीं कर रहा लेकिन अगर आप ऐसे फ्रेंड्स इनको ट्राई करना चाहते हैं तो ट्राई कर सकते हैं।
नंबर 9 पे आपको फितरी सैम खेलता नजर आएंगे 64 मैचेस के लिए 80 रन बना के दिए। वहीं नंबर 10 पे आपको मोहम्मद सैद अजली खेलता नजर आएंगे जो कि 22 मैचेस के लिए 25 विकेट निकाल के दिए। और नंबर 11 पे जो आपको ए सैम खेलता नजर आएंगे जो कि 36 मैचेस के लिए और 31 विकेट निकाल के दिए। ये तो फ्रेंड्स ये जो सीएस का प्लेइंग 11 रहने वाला। बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू की प्लेइंग 11 की, तो देखिए अहमद जुबैद और यहाँ से सैफुल मलिक ये दोनों ओपन करते नजर आएंगे। दोनों की परफॉर्मेंस की बात करें तो दोनों का ही परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। अहमद जुबैद जो है दो मैचेस खेले जिसमें कि जब 50 रन बना के दिए। वहीं बात करते थे यहाँ से सैफुल मलिक की, तो ये दो मैचेस खेले जिसमें कि 34 रन बना के दिए। अगर आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। नंबर 3 पे आपको जो है डी मॉगन खेलता नजर आएंगे, एक मैचेस खेले जिसमें कि 52 रन बनाए। विकेट की बात करें तो अपनी टीम के लिए एक विकेट निकाल के दिए। अगर आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो आप अपनी टीम से भी कर सकते हैं। नंबर 3 पे आपको एस मुडेनी खेलते नजर आएंगे, दो मैचेस के लिए 32 रन बना के दिए। इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाले फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए थोड़ी बहुत पार्ट टाइम गेंदबाजी भी कर लेता है और हो सकता है कि ये आज के मैच में जो ओपन कर जाए, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो दोनों के दोनों प्लेयर जो है फॉर्म में नहीं है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना। नंबर 5 पे जो आपको जे इंतान खेलते नजर आएंगे, इनका ये मतलब फर्स्ट मैच होगा अगर ये प्लेइंग 11 में आते हैं तो। अगर आप इनको ट्राई करें तो ग्राइंडिंग में ट्राई कीजिएगा, इस मॉलिंग में थोड़ा दूरी बना के जाइएगा, क्योंकि फ्रेंड्स किस टाइप का इनका परफॉर्मेंस होगा नहीं होगा ये कोई कंफर्म नहीं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना। बाकी थी फिर बात कर देते हैं आप इसे एस सैफ को ट्राई कर सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाले। फिर दो मैचेस के लिए 82 रन बनाए प्लस अपने टीम के लिए दो विकेट निकाल के दिए। वही नंबर 7 पे जो आपको सुब्रील खेलते नजर आएंगे जो कि एक मैचेस के लिए और 27 रन बना के दिए। नंबर 8 पे जो आपको राजकुमार खेलते नजर आएंगे जो कि दो मैचेस के लिए 13 रन बनाए प्लस अपनी टीम के लिए 5 विकेट निकाल के दिए। बैटिंग बॉलिंग दोनों ही करें। अगर आप इनका मतलब विकेट का एवरेज देखेंगे तो लगभग हर मैच में जो 2 से 3 विकेट करके निकाल के दे रहे, किसी मैच में 3 विकेट निकाल के दे रहे, तो किसी मैच में 2 विकेट निकाल के दे रहे। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाएंगे। वही बात करते हैं नंबर 9 की, तो आप इसे अजमी को ट्राई कर सकते हो जो कि एक मैचेस के लिए 6 रन बनाए प्लस अपनी टीम के लिए 2 विकेट निकाल के दिए। वही नंबर 10 पे जो आपके एच कैरिन खेलते नजर आएंगे, ये भी एक भी मैचेस नहीं खेले, ये इनका अगर ये खेलते तो ये इनका फर्स्ट मैच रहने वाला है। बाकी फ्रेंड्स नंबर 11 पे जो अभी मैं कोई भी प्लेयर को नहीं रखा, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए आज के मैच में जो डब्ल्यूडब्ल्यू बहुत सी चेंज कर सकती है, ये मतलब नंबर 11 पे वो किस प्लेयर को चांस देगा ये कोई कंफर्म नहीं। अगर मुझे कोई भी न्यूज़ आता तो आपको हमारे टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो जाके जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। तो अब चलते अपने ड्रीमलैंड टीम की तरफ। तो फ्रेंड ड्रीमलैंड टीम की तरफ जाने से पहले अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं करते वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बात करते हैं फ्रेंड्स ऐसे विकेट के परसेप्शन की, तो देखिए यहाँ से फिलहाल में सैफ को अपनी टीम में ट्राई कर बेस्ट ऑप्शन रहने वाले। अगर आप भी अपनी टीम बना रहे और S2S3 मेंबर या 4 मेंबर वाली लीग खेल रहे, तो मैं आपको बोलूँगा कि इन्हीं को ट्राई करते आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि देखिए इनके अलावा आपके पास कोई मतलब विकेट कीपर सेक्शन में ऑप्शन भी अवेलेबल नहीं है, तो इस बात का आपको ध्यान देना। फिलहाल आप इन्हीं को ट्राई करें तो आपके लिए बेस्ट होगा। हालांकि अगर आप इसे ग्रैंड लीग वगैरह खेल रहे तो आप इसे जो है हजलन को ट्राई कर सकते हैं या फिर आप किसी अदर्स बॉलर को ट्राई कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन फ्रेंड्स ग्रैंड लीग में ट्राई कीजिएगा, इस मॉलिंग में बिल्कुल भी ट्राई मत कीजिएगा। बैटिंग सेक्शन की बात करते हैं तो आप इसे AFS को ट्राई कर सकते हैं, साथ ही साथ आप इसे एस फितिर को लेके जा सकते हो। लास्ट ऑप्शन की बात करें तो आप इसे ए जुबैद को ट्राई कर सकते हैं। ये तीन ऑप्शन जो आपके लिए मतलब बैटिंग सेक्शन में रहने वाले, आप इन तीनों में से किसी को भी ट्राई कर सकते हैं। ऑलराउंडर सेक्शन की बात करें तो आप इसे डी मॉगन को ट्राई कर सकते हैं, साथ ही साथ आप इसे एम इमरान आजमी को लेके जा सकते हैं। वही लास्ट ऑप्शन की बात करें तो आप इसे एल नूर को ट्राई कर सकते हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाएंगे। फिलहाल में 3 ऑलराउंडर के साथ जा रहा, आप चाहे तो अपने हिसाब से किसी अदर मतलब किसी अदर्स ऑलराउंडर को भी ट्राई कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बॉलिंग सेक्शन की बात करें तो आप इसे फ्रेंड्स एफ सैम को ट्राई कर सकते हैं, साथ ही साथ आप इसे जो है एम शहीद को लेके जा सकते हैं। ये दो ऑप्शन बॉलिंग सेक्शन में बेस्ट रहने वाले फ्रेंड्स। अगर आप एफ सैम को देखेंगे तो लास्ट में से जो है मतलब ये 3 विकेट निकाल के दिए थे अपनी टीम को। बहुत ही कम लोग जो इनका पिक है, पता नहीं फ्रेंड्स ऐसा क्यों सिर्फ 60% लोग इनको अपनी टीम में ट्राई कर रहे हैं। बाकी फिर बात करें तो आप इसे इब्राहिम को लेके जा सकते हो। लास्ट ऑप्शन की बात करें तो आप इसे आर कुमार रजा को ट्राई कर सकते हैं। फिलहाल ऐसे में 4 बॉलर के साथ जा रहा, आप जो तो अपने हिसाब से 3 बॉलर को भी ट्राई कर सकते हैं। कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात करें तो ऐसे में सैफ को कैप्टन दे रहा, वहीं वाइस कैप्टन की बात करें जैसे मैं वाइस कैप्टन जो है एल नूर हकीम को मैं अभी वाइस कैप्टन दे रहा। हालांकि देखिए वाइस कैप्टन आप अपने हिसाब से जो है चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आप इसे डी मॉगन को भी ट्राई कर सकते हैं। टीम प्रिव्यू की बात करें तो फिर दे सकते, ये मेरा टीम प्रिव्यू है, अगर आप इस टीम के साथ जाना चाहते हो तो जा सकते, नहीं तो थोड़ी बहुत टीम चेंजेस करके बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।